डरता क्यों है तू, जरा आगे तो बढ़। दिखी है अभी एक ही सीढ़ी, जरा उस पर चढ़ के तो देख। तुझे पीछे खींचने वाले बहुत हैं, उनको जरा खुद से दूर करके तो देख। असंभव कुछ भी नहीं है, तू बस थोड़ी कोशिश तो करके देख। अपने माँ बाप को खुशी देने के लिए जरा तू भी थोड़ी तकलीफ सह के तो देख। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग रियली ग्रेट एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो देन आई एम हिमांशी एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज उठने में थोड़ी सी देरी है क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन उठा जा चुका है, अपने डेली रूटीन स्टार्ट कर दिए हैं। बाहर बहुत अच्छी धूप है, हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन मौसम सुहाना है। तो सबसे पहले उठते ही अपना बिस्तर बनाने के बाद हम चलते हैं बाहर अच्छे वाले मौसम में। तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा था, पतझड़ की ऋतु आ गई है, पेड़ ढील रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं और सभी काम वाले अपने अपने काम पे लगे हैं। कुछ घर पे हैं तो कुछ स्कूल में गए हैं, कुछ कॉलेज में गए हैं तो कुछ अपने और कामों पे लगे हैं। कोई अपने घर से दूर बाहर रह रहे हैं, वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, और कोई घर पे ही संघर्ष कर रहा है। संघर्ष की सीमा कुछ इतनी है कि जब तक आप खुद को नहीं पहचान लेते, आपका संघर्ष ख़त्म नहीं होने वाला। तो जितनी जल्दी आप खुद को पहचानोगे, अपनी लाइफ में मेहनत करोगे, जब जाके आपका संघर्ष ख़त्म होगा और तब जाके आपको मंजिल मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ सबसे पहले मैं अपने रूम की सभी खिड़कियां खोलती हूँ, जिससे रूम में थोड़ी बहुत जो भी स्मेल वगैरह है वो सारी निकल जाए और रूम में फ्रेश एयर आए और अच्छे तरीके से रूम को मैं मेंटेन करती हूँ। और इसी वक्त मैं सोच रही होती हूँ कि आज कैसे करें, आज उठने में देरी है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो सोच रहे हैं दिमाग में कि कैसे करें क्या करें। अभी ये रूम वाला काम हो चुका है डन, तो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर क्या कुछ हो रहा है। 2024 का एक महीना चला गया है, सोच सकते हो 12 महीनों में से एक महीना चला गया है। तो खुद से पूछो, क्या इस महीने में आपने कुछ ऐसा खुद के लिए किया, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए क्या कुछ ऐसा किया, या फिर 2023 की तरह ही ये महीना भी बिता दिया। अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी किया है तो अभी भी 11 महीने बाकी हैं, अभी भी शुरू कर दो, कोई देर नहीं हुई है। कुछ ऐसा करो, अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। थोड़ा बहुत सेल्फिश बनो और कुछ करो अपने लिए, जिससे आपका फ्यूचर कुछ ऐसा हो जो आप चाहते हैं। नया दिन है, नई सुबह है, दिन स्टार्ट हो चुका है, किचन में आ गए हैं, अपने लिए गर्म पानी कर रहे हैं। जब तक गर्म पानी होता है, किचन को थोड़ा बहुत मेंटेन कर देते हैं, क्योंकि किचन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर उठने के बाद हम सबसे पहले आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद अगर ये साफ़ सुथरा रहे और ये साफ़ सुथरा दिखे पूरा दिन, तो मन बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। तो गर्म पानी हो गया है, बाहर आ गए हैं, बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, बिल्कुल सुहाना मौसम है। कई दिनों के बाद इतना खिली हुई धूप आई है, जिसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पानी हमें बैठ के पीना चाहिए, बट मैंने नहीं पिया। धीरे धीरे इन कमियों को भी सुधारेंगे। पानी पीने के बाद आज मैंने निश्चय किया कि इस छत की सफाई करते हैं। सफाई इस छत की रोज़ होती है, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। और कुछ बात ऐसी है, पतझड़ की ऋतु आई हुई है तो ये पत्ते गिरते रहते हैं, और मैंने सोचा कि भाई इसको साफ़ कर देते हैं। मम्मी मेरे को बोल रही थी कि इनको साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ले मोटी मोटी झाड़ू निकाल दे, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं बिल्कुल सही से क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे महादेव जी विराजते हैं, तो इसलिए मैं सही से साफ़ कर देती हूँ इस छत को, और फिर अपने लिए योगा करने के लिए मैट बिछा रही होती हूँ। इतनी देर में जो मम्मी ने बोला था वही काम हो गया, पत्ते आ गए फिर से दोबारा से, और मैं हो गई थी उदास, लेकिन फिर मैंने अपनी कर दी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो इस खुली खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे, मस्त हवा में, सनलाइट में बैठ के मैं कर रही हूँ योगा, और ये मैंने नई हैबिट स्टार्ट किया, वरना पहले मैं योगा नहीं करती थी, और इससे सच में हेल्थ में भी बहुत सुधार है और बाकी भी बहुत सुधार है। तो अभी गर्म पानी पी लिया है, खुद के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, योगा कर लिया, अब बारी है चाय की। चाय हमें ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, मुझे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन दिन में एक टाइम तो चाय पी ही सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं तो एक या दो बार तो पी ही सकते हैं, और धीरे धीरे इस चीज़ को भी कम करेंगे। अब एकदम से तो कम होने नहीं वाली, तो धीरे धीरे ही कम करेंगे।
तो अब चाय पक रही है, आप देख सकते हैं। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता, हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। किसी के दिल में क्या छुपा है ये बस खुदा ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। थी खामोशी हमारी फितरत में तभी तो, थी खामोशी हमारी फितरत में तभी तो बरसों निभ गई लोगों से। अगर मुंह में हमारे जवाब होता तो सोचो कितना बवाल होता। हम तो अच्छे थे पर लोगों की नज़र में सदा बुरे ही रहे। कहीं हम सच में ख़राब होते तो सोचो कितना बवाल होता। कहीं हम सच में ख़राब होते तो सोचो कितना बवाल होता। चाय पक चुकी थी और हम अपने स्टडी रूम में आ चुके थे। आज का मौसम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी वाली वाइब्स आ रही हैं, तो इस मौसम में पढ़ने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो सबसे पहले बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, अपने टारगेट्स को लिखते हैं पेज पे और फिर लग जाते हैं उनको पूरा करने के लिए। तो मैं आप सभी को भी बताती हूँ कि क्या क्या करेंगे, उससे पहले मैं एक बार खुद सोच सोच के बना लेती हूँ। टू डू लिस्ट बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि अभी तक कुछ टाइम से पहले मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाती थी और तब ऐसे लगता था कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, और मतलब इसे थोड़ी बहुत संतुष्टि हो जाती कि हमने अपने डेली टारगेट शुरू कर लिए हैं, मतलब ख़त्म कर दिए हैं और हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। इसलिए इस हैबिट को भी हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, टू डू लिस्ट बनाया करेंगे, डेली अपने टारगेट्स को लिखा करेंगे और फिर रात में एनालाइजिस करेंगे कि क्या हमने किया, क्या गलत किया, मतलब कितनी कुछ कमी रह गई और कितना कुछ सुधारने की कोशिश है। क्योंकि लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, इसमें ज़रूरत होती है टाइम के साथ थोड़े बहुत सुधार करने की। तो देखिए ये है मेरी टू डू लिस्ट। सबसे पहले हम करेंगे वो कैब रूट वर्ड्स, वो सभी रिवाइज करेंगे। उसके बाद इंग्लिश का एक चैप्टर करेंगे PYQ के साथ, और फिर मैथ का एक चैप्टर, और फिर कॉलेज के मैथ का एक चैप्टर, और फिर कॉलेज का जो इंग्लिश है उसका एक चैप्टर। तो अब करते हैं स्टार्ट। तो अभी चाय हमारे पास है और वो कैब करने में अलग ही मज़ा आएगा, मौसम भी सुहाना है, चाय भी है और साथ में सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे इस पेज पे आप देख सकते हैं ड्राइंग जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, जो कि मेरे भाई ने बनाई थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रूट वर्ड्स, ये रूट वर्ड्स सभी मैं कर रही हूँ, और ये मैं आप सभी को भी दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, मतलब मैंने कैसे लिखे हुए हैं। अगर आप मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि मैंने रूट वर्ड्स कैसे बनाए हुए हैं नोट्स इनके। तो ये सभी मैं नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। इसमें ऐसे होता है रूट वर्ड्स में, जैसे कोई भी एक वर्ड होता है और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं उनका एक ही मीनिंग होता है। उस एक वर्ड का मीनिंग याद कर लो तो उससे रिलेटेड सभी वर्ड्स का मीनिंग पता चल जाता है। तो इस तरीके से एक वर्ड से कितने सारे वर्ड्स बने हुए हैं वो सभी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो इन सबको मैं रिवाइज करने वाली हूँ। ये मैंने पहले रिवाइज कर लिए हैं, लेकिन ये चीज़ रहती है कि अगर इनको दोबारा ना करें तो हम भूल जाते हैं। तो ये देखिए आप, इस तरीके से नोट्स हैं और इस तरीके से मैंने एक वर्ड से जितने सारे वर्ड्स बने हैं उनके मीनिंग ऐसे रिवाइज किए हुए हैं। क्योंकि वोकैबुलरी सभी एग्ज़ाम्स में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में, सभी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी वोकैब का मैंने डन कर दिया है। अब है बारी इंग्लिश के एक चैप्टर की, तो अभी मैं करने वाली हूँ प्रोनाउन चैप्टर। कल मैंने नाउन वाला किया था, आज कर रही हूँ प्रोनाउन, और प्रोनाउन मैं नोट्स से भी करूँगी अपने, और जो ये मेरी बुक है ओसवाल बुक्स की इंग्लिश वाली जनरल इंग्लिश, इससे भी करूँगी मैं। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें मीडियम, एक्सपर्ट एंड बिगनर सभी के हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं, साथ में जो SSC CGL जो भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। हर टॉपिक बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ है एग्जाम्पल्स के साथ भी, और ये बुक सच में बेस्ट है। अगर आप चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं, अभी मैं इस बुक से ही कर रही हूँ और साथ में अपने नोट्स से, और यहीं से मैं क्वेश्चंस भी लगा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको क्वेश्चंस वगैरह लगाने हैं तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर 700 प्लस एस्पिरेंट्स है जो कि आप सभी की तरह प्रिपरेशन करें, और वहाँ पर डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं ये प्रोनाउन चैप्टर ही कर रही हूं अपने नोट से भी और यहां से बुक से भी, और नए नए रूल सीख रही हूं। और बाहर से थोड़ी बहुत हवा आ रही है और सनलाइट भी आ रही है जो कि हमारी आँखों के लिए भी सही रहती है, वरना बंद कमरे में हम लाइट में ही अगर पढ़ते हैं तो फिर इतना सही नहीं रहता। आँखों के लिए थोड़ी बहुत नेचुरल लाइट होती है वो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और हम एस्पिरेंट्स जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उनके लिए तो आँखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आँखें तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन पढ़ते टाइम आँखों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, तो इसलिए हमें बिल्कुल सही से मतलब रोशनी में बैठ के पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने के बाद नीचे आ गए थे और नीचे यहाँ पे रोटी बन रही है, रायता है, मिर्च है, और यहाँ पे मम्मी रोटी बना रही हैं चूल्हे पे, टेस्टी टेस्टी वाली। तो यहाँ पे अब खाना खाएंगे और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठेंगे, फिर इसके बाद चलेंगे ऊपर। तो आजकल ये व्यू भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा मौसम खुल रहा है, ठंड कम हो रही है और बिल्कुल सुहाना मौसम होने लगा है। और यहाँ पे ये हमारे काटड़ा काटड़ी बंधे हुए हैं, और यहाँ की भी सफाई वगैरह सब काम नीचे का डन हो चुका है, मैंने ऊपर का किया था और मेरी बहन ने और मम्मी ने नीचे का किया था। तो यहाँ की सफाई अभी डन हो चुकी है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का कैसा कुछ व्यू है। यहाँ का व्यू आपने अभी देख लिया, तो चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर गली में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ व्यू है। तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, कोई भी नहीं दिख रहा, सारे के सारे पता नहीं कहाँ गए हुए हैं लोग, सभी अपने घरों में कैद हैं। तो फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अंदर और अब पानी का गिलास लेते हैं और पानी पी के फिर चलते हैं अपने ऊपर पढ़ने के लिए। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, ज़िंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, ज़िंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। उम्मीद है कि आप इन लाइनों को सही से समझ रहे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से दुनिया वालों को ना सोचते हुए अपने हिसाब से मेहनत कर रहे होंगे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर और अब मैं कुछ इंग्लिश का चैप्टर करने वाली हूँ, सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मैंने कर लिया है, तो अभी मैं सेकंड चैप्टर कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारे टेस्ट होने वाले हैं जो जिसके लिए ये ज़रूरी है, और पूरा सिलेबस का टेस्ट दिया हुआ है टीचर ने। अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, वो टीचर सभी से टेस्ट बोल रहे हैं, अभी तो नहीं है लेकिन हाँ कुछ दिनों के बाद है, लेकिन अभी से थोड़ी बहुत तैयारी करने लगेंगे तभी कुछ दिनों के बाद होगा ना, इसलिए अभी मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि चैप्टर की कहानी तो पढ़ ही लेते हैं और कहानी पढ़ने में मन भी लगा रहता है, तो अभी मैं वो सब कर रही थी और मैंने एक चैप्टर की कहानी पढ़ ली और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ये सब देख लिए हैं, और थोड़े बहुत मैंने इसमें जो वोकैबलरी थी वो भी देखी थी, क्योंकि हमारी इंग्लिश वाली बुक है, ये गाइड है, तो इसमें भी वोकैबलरी वगैरह सिनोनियम सेंटोनियम चैप्टर के साथ होते हैं, वर्ड मीनिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अगर हम देख लें तो वो हमारे लिए सही रहती है। तो वो देखने के बाद अब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती हूँ, थोड़ी बहुत मस्त वाली हवा लेने के लिए, और फिर उसके बाद मैं ये इंग्लिश की बुक उठा के दूसरी छत पे जाऊँगी, उसका इंग्लिश का ये एक और चैप्टर देखूँगी। और देखो ये यहाँ पे भी ये मैं कर रही हूँ, और फिर दिन में बाद में शाम को और रात को दो जो मैथ के मैंने छोड़े हुए हैं ना उनको करेंगे, कुछ पी वाई क्यूज़ लगाएंगे और कुछ देखेंगे और वो सभी करने की बारी करेंगे। अभी मैं यहीं पे पढ़ रही हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप जीके इंग्लिश या कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको सभी बुक्स मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो अब करते हैं वीडियो का एंड, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।